हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रुति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे शेयर करेंगे अपने थर्मोपॉट्स का रिव्यू, जो कि हमारे काफ़ी व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो शूट करते हुए नज़र पड़ी कि सीरस के पेड़ पे एक बड़ी सी चील बैठी है और वो अपना खाना खा रही है, यानी कि शायद वो शिकार करके आई थी कुछ और इसने हमें देख लिया। फिर इसको यहाँ पे सेफ नहीं लगा होगा, क्योंकि ये जो पक्षी होते हैं, ख़ास तौर से चील और बाज जैसे जो पक्षी होते हैं, ये अपना शिकार चुपचाप खाना पसंद करते हैं, इनको डिस्टर्बेंस पसंद नहीं होता। तो वैसे हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया था, लेकिन फिर भी इसको अच्छा नहीं लगा और ये चली गई। बिल्कुल ऐसे ही होता है एक फैल्कन बर्ड, जो कि एक तरह का बाज पक्षी ही होता है, उसको कहीं कहीं पर शिकरा भी कहते हैं। तो वो भी छोटी छोटी चिड़ियों का या छोटे छोटे जीव होते हैं, उनका शिकार करके खा जाता है। तो हर तरह के जीव होते हैं इस प्रकृति में। तो आ जाते हैं फिर से अपने टॉपिक पर। तो आज हम इनका रिव्यू आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। कुछ पॉट्स हमने लिए थे जो 6 इंचेस वाले हैं, 3 साल पहले लिए थे, और जो 7 इंचेस के लिए थे वो 2 साल पहले मंगवाए थे ऑनलाइन। तो बाकी सारे जो जितने भी हमारे थर्मोपॉट्स हैं वो ठीक चल रहे हैं, लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। वैसे मुझे आपने पहले भी कई बार सुना होगा मेरे मुंह से इसकी तारीफ, कि जो थर्मोपॉट्स होते हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि जब कोई भी पॉट खाली नहीं मिलता तो थर्मोपॉट में कटिंग्स लगाने में या प्लांट शिफ्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है, और सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए तो ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन इनका एक नेगेटिव पॉइंट है। अभी देखिए, ये मनी प्लांट दो तरह का लगा हुआ है, इसमें एक पाइलोडेंड्रॉन है और एक ये गोल्डन मनी प्लांट है। दोनों इसमें काफ़ी अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास मॉस स्टिक भी है तो मैं इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि रूट्स आप देखिए जो ड्रेनेज होल है उनसे बाहर आ गई हैं। तो ये थर्मोपॉट एक तो लाइट वेट होते हैं, ड्रेनेज होल भी इसमें अच्छा होता है। लेकिन जब भी आप थर्मोपॉट लें, एक तो छोटे साइज में लें, यानी कि लगभग 6-7 इंच से बड़ा थर्मोपॉट ना लें। इसमें 8 इंच का थर्मोपॉट भी आता है, बड़ा भी आता है, लेकिन वो ना लें, क्योंकि ये एक तरह से लाइट वेट होते हैं। तो इनको जब उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं तब ये चटक जाते हैं कुछ इस तरह से। तो जो मिट्टी का वजन होता है, जब उठाकर आप एक जगह से दूसरी जगह रखेंगे तो जैसे पॉलीबैग फट जाता है, बिल्कुल वैसे ही। अब ये इसमें स्पाइडर प्लांट लगा है तो ये देखिए कुछ इस तरह से फैल गया है। जो बल्ब वाले प्लांट्स होते हैं वो तो कभी भी आप थर्मोपॉट में ना लगाएं, क्योंकि बल्ब ग्रोथ करते हैं और वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो जैसे जैसे वो ग्रोथ करते जाएंगे वैसे वैसे ये फट जाएगा, और अंदर उसमें ग्रोथ होती जाती है तो वो फूल जाता है और फट जाता है। अब देखिए, शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। ये एक खाली पॉट रखा हुआ है तो ये पुराना हो चुका है, तो शुरुआत में इस तरह से इसमें चटक आ जाती है, एक तरह से चटक जाता है ये, और इस समय कोई नुकसान नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे इसमें कोई प्लांट लगा है, जैसे जैसे उसकी रूट्स फैलती जाएंगी वैसे वैसे ये जो क्रैक है, क्रैक बोल सकते हैं आप इसको, ये फैलता जाएगा और पूरा जो इसके अंदर प्लांट है उसमें रूट्स जैसे फैलेंगी वो वैसे ही फट जाएगा। अब देखिए, एक हमारा जो थर्मोपॉट है हमने उसको डबल में रखा हुआ है, क्योंकि ये चटक गया था। पापा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई जो फट जाता है ग्रो बैग या कोई भी पॉली बैग या इस तरह के पॉट्स, उनको नहीं पसंद है। वो उठाकर इसको फेंक देते हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है, लीकेज होता है एक तरह से, क्योंकि जो भी आप पानी देते हैं वो पौधे को तो लगता नहीं है और वो सारा बह जाता है, तो उनको ये नहीं पसंद, वो फेंक देते हैं इस तरह की चीज़ें। लेकिन आप इसका रीयूज कर सकते हैं, 2-3 पॉट्स को जो चटक गए हैं उनको एक में एक आप इस तरह से लगा सकते हैं, जैसे मैंने ये मदर ऑफ 1000 प्लांट लगाया हुआ है, तो इसमें थोड़ा इसमें सपोर्ट मिल जाता है। आप देखिए, मदर ऑफ 1000 के बेबी प्लांट जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ इनको नमी मिलती गई, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है तो वहाँ वहाँ ये ज़मीन पे भी ग्रोथ करते जा रहे हैं पॉट्स के किनारे किनारे में। तो इन थर्मोपॉट्स का नेगेटिव पॉइंट बस यही है कि एक तो आपको 6-7 इंच से बड़ा गमला नहीं लेना है, क्योंकि वो उठाकर रखने में ही चटक जाएगा, फिर दिक्कत होगी। दूसरी बात, इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कलर इसका बिल्कुल फेड नहीं हुआ है, जैसे ये लिए थे वैसे के वैसे ही हैं। हालांकि मेरे पास बहुत सारे पॉट अभी तक ठीक हैं, ये नहीं कह रही हूँ मैं सारे बेकार हैं। बस एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आपने उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखा तो ये चटक सकते हैं। वैसे सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बेस्ट हैं, आप इनको ले सकते हैं। और मैंने अभी तक किसी भी प्रोडक्ट का स्पॉन्सरशिप नहीं लिया है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये एक सही रिव्यू है, तो आप इस पे बिलीव कर सकते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मेरे गार्डन में आपसे शेयर किया, इनको मैंने कहाँ से और कैसे लिया था वो भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है, काफ़ी व्यूअर्स पूछते हैं। थैंक यू।